नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर। फिलहाल मैं हूँ सुंधा माता जालौर के अंदर और मेरे पीछे आप ये पूरा व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ सुंधा माता का व्यू है, सुंधा माता जालौर, बहुत ही अल्टीमेट व्यू यहाँ का नज़र आ रहा है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था हमने उदयपुर से यात्रा स्टार्ट की थी। आपको अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, मैं अभी कर रहा हूँ राजस्थान से गुजरात की यात्रा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी। और ये रोपवे है सुंधा माता जालौर का, बहुत ही अच्छा दृश्य है यहाँ पर। राजस्थान का सबसे पहला जो रोपवे है सुंधा माता जालौर में ही लगा था। और यहाँ पर जो है चारों तरफ झरने वगैरह बहते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और आपको आगे का दृश्य दिखाते हैं। तो आइए आज चलते हैं राजस्थान के हिल स्टेशन कहे जाने वाले माउंट आबू से करीब 60 किलोमीटर दूर सुंधा माता मंदिर। यह मंदिर जो है एक सुंधा नाम की पहाड़ी पर स्थित है और माता चामुंडा को समर्पित है। करीब 900 साल पुराना यह मंदिर है और यहीं पर राजस्थान का सबसे पहला रोपवे बना हुआ है। विशेषकर गुजराती लोग यहां पर ज़्यादा आते हैं। करीब यह मंदिर लगभग 850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और सुंधा माता के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु अपने साथ खंडित मूर्तियां लेकर जा आते हैं और यही इन पहाड़ियों में छोड़ कर जाते हैं। जय। तो भैया ये कुछ सुंधा माता का पूरा व्यू है, काफी ही अल्टीमेट व्यू है। चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर पीने का इंतजाम है, ठंडे पानी पीने का। चारों तरफ प्याऊ लगे हुए हैं और काफी मनोरम दृश्य है। पानी देख लेते हैं यार, ठंडा लिखा है, ठंडा है कि नहीं अंकल? ठंडा है पानी? ठंडा नहीं है, गर्म पानी। तो चारों तरफ यहाँ झरने बह रहे हैं तो गर्मी में भी एकदम ठंडक महसूस हो रही है यहाँ पर। और पहाड़ काफी ही जोरदार है यहाँ पर, मतलब पहाड़ मानो ऐसे लग रहे हैं कि ऊपर से कोई पत्थर गिरकर हमारी तरफ आ जाएगा और ऊपर गिर जाएगा, ऐसे लुढ़कते हुए पत्थर दिख रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों सुंधा माता की ये जो चढ़ाई है काफी ऊपर है, लेकिन इतनी हार्ड नहीं है जितनी उदयपुर के करनी माता और नीमच माता की होती है, क्योंकि वहां पर भी मैंने चढ़ाई की हुई है। वहां चढ़ते ही मतलब एक जो है बॉडी डिहाइड्रेट से होने लगती है और थकान ज्यादा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो सीढ़ियां हैं अच्छी बनी हुई है और एकदम घुमावदार है तो यहाँ पर इतनी थकान नहीं होती है। बाकी व्यू यहाँ का काफी अल्टीमेट है, आपको लगेगा कि आप हिमाचल और केदार में घूम रहे हो। हिमाचल और केदार का पूरा व्यू यहाँ नजर आता है। सो गाइस, ऑलमोस्ट हमने जो है सुंधा माता की चढ़ाई कंप्लीट कर ही ली है। और अगर आप सुंधा माता आते हैं तो पानी की बोतल वगैरह साथ में कैरी करें, क्योंकि जगह जगह गला सूखेगा। और फिलहाल हमारे साथ है अंकल जी, क्या नाम है दादाजी आपका? मेरा नाम नारायणलाल पटेल है। नारायणलाल जी पटेल, और मैं आपको इनकी वेशभूषा दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये धोती कुर्ता और ऊपर इसको बोलते हैं साफा, फेटा भी बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। तो ये कुछ है राजस्थान, तो राजस्थानी सांस्कृतिक जो है ये पहनावा है। और ये सुंधा माता के अंदर चारों तरफ आपको दुकानें नजर आएंगी, ये सिकंजी पानी का बोतल वगैरह आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो सुंधा माता जालौर की विशेषता कुछ खास ऐसी है, देख लीजिए यहाँ से जो है झरना पूरा बह रहा है, क्या पीसफुल साउंड आ रहा है, अल्टीमेट व्यू है। मैंने मंदिर तक पहुँचने के लिए जो है सीढ़ियों का सहारा लिया था और यहाँ की सीढ़ियाँ जो है इतनी मुश्किल नहीं है चढ़ने में, क्योंकि यहाँ बीच बीच में जो है बिल्कुल स्लोप बने हुए हैं, तो आप आसानी से जो है सीढ़ियों के जरिए चल सकते हैं। रास्ते में ध्यान रखें, यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं जो आपसे प्रसाद वगैरह छीन सकते हैं, तो इन बंदरों से थोड़ा सावधान रहिए। बाकी अगर जो लोग रोपवे में बैठकर जाना चाहते हैं वो आसानी से रोपवे में बैठकर जाए, लेकिन अगर किसी को लगता हो कि यहाँ चढ़ना मुश्किल है तो चढ़ाई इतनी भी मुश्किल नहीं है, आप आसानी से चढ़कर जा सकते हैं।
और जैसे ही आप मंदिर के ऊपर पहुंचेंगे तो मंदिर के ऊपर ही विभिन्न जातियों की अलग अलग सराय बनी हुई है और धर्मशालाएं बनी हुई है, तो आप वहां पर रुक सकते हैं। मैं अगर पर्सनली बताऊं तो यह मंदिर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब यहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। ऊपर आपको प्रसाद की सुविधा है, जगह जगह पर ठंडे पानी का प्याऊ यहाँ मिल जाएगा और यहाँ पर जगह जगह धर्मशाला और सराय बनी हुई है, तो आप आसानी से यहाँ पर रुक सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो गाइस सुंदर माता के अंदर यह आप चारों तरफ देख सकते हैं बहुत सारी धर्मशालाएं बनी हुई है, आप यहाँ आकर रुक सकते हैं। बिल्कुल पहाड़ों के बीच में ये मंदिर बना हुआ है और पीछे पूरा एक रेत का टीला दिख रहा है और शायद यही मंदिर है आगे, ये दिख रहा है जो मंदिर होगा। चलते आगे देखते हैं मंदिर। तो भैया मुझे लगा था यहाँ के बंदर जो है बहुत ही शरीफ है, लेकिन बहुत ही चालाक बंदर है यहाँ के। अंकल कैसे परेशान कर रहे हैं लोगों को? अरे बहुत हैरान कर रहे हैं लोगों को, बहुत ही उछल कूद रहे हैं ऊपर से। तो ये देखो चारों तरफ ये बंदर बैठे हुए हैं और आने जाने वालों को परेशान कर रहे हैं और इधर उधर कुंदा फांदी कर रहे हैं। देखो पतड़े वो ऊपर लगे हुए तो उनके ऊपर गोद गोद के बहुत ही बजा रहे। तो ऑलमोस्ट चढ़ाई कंप्लीट कर लिए और दिखाते हैं आपको यहाँ एक सबसे अच्छी सुविधा यूँ लगी, यहाँ पर जो है बहुत सारे भोजनालय और धर्मशालाएं बनी हुई है, तो आप आसानी से यहाँ रुक सकते हो। जगह जगह पर पानी पीने के प्याऊ बने हुए और यहाँ एक चीज मैंने देखी, यहाँ पर गाय बहुत सारी है, चारों तरफ आप जो है गाय देख सकते हैं। तो काफ़ी ही अल्टीमेट व्यू है यहाँ का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, अभी मैं कर रहा हूँ राजस्थान से गुजरात की यात्रा, जिसमें हम आपको पूरा गुजरात विजिट कराएंगे और गुजरात की एक एक जगह हम जाने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए चलते हैं आगे मंदिर की तरफ। सो गाइस फाइनली मैं हूँ सुंदा माता मंदिर के अंदर और आपको सुंदा माता मंदिर का ये व्यू दिखा देता हूँ। देख लीजिए किस तरीके से इन पहाड़ों में ये मंदिर बना हुआ है। ये कुछ व्यू है, इवनिंग हो रही है, थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है और ये कुछ पूरा व्यू है सुंदा माता का। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो गाइस ये सब सारे यात्री हमारे साथ हैं और एक साथ ही बोलो गाइस। सुंदा माता के अंदर जो है आप ऊंट सवारी और ये घोड़े की सवारी भी कर सकते हैं। ये अंकल हमारे साथ में, इन्होंने अभी ऊंट की सवारी करी है। ऊंट सवारी का आपको 50 रुपए देना पड़ेगा। ऊंट बहुत चिल्ला रहा है ये, तो 50 रुपए देकर आप जो है यहाँ ऊंट सवारी कर सकते हैं। तो गाइस मेरे पीछे आप ये जो कक्ष देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको सारे बंदर ही बंदर मिलेंगे। देख लीजिए पूरा ये जो है बंदरों से भरा हुआ है, इसके अंदर सारे बंदर ही बंदर हैं। देख लीजिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देख लीजिए। सो गाइस ऑलमोस्ट सुंदा माता के दर्शन हमने कर लिए हैं
अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं अभी कर रहा हूं राजस्थान से गुजरात की यात्रा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। हम द्वारकाधीश तक यात्रा करेंगे और पूरे गुजरात की यात्रा करने वाले, सोमनाथ वगैरह सबकी। और फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा माउंट आबू का। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते किसी नई वीडियो के अंदर।